हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड प्रभात कुमार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण करें तो यह लगभग चार तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहला है साला कवक यानी बैसिलस, जिसको इंग्लिश में बैसिलस कहते हैं। इस प्रकार का जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होता है, जैसे बेसिलस एंथ्रोसिस। दूसरा होता है गोलाकार, जिसे इंग्लिश में कोकस के नाम से जाना जाता है। गोलाकार आकृति के जीवाणु को कोकस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटा जीवाणु है। कोशिकाओं के विन्यास के आधार जैसे माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और सॉरसिनी। फिर होता है सर्पलाकृतिक। इस प्रकार का जीवाणु कोलाइड अथवा स्पाइरल होता है, जैसे स्पाइरेलम रूप्रेम। फिर होता है कोमा। इस प्रकार का जीवाणु अंग्रेजी के कोमा चिन्ह के आकार का होता है, जैसे विब्रियो कोमा। वहीं दोस्तों, यदि हम पोषण के आधार पर बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं? ये इस प्रकार के पोषण में अंतर्गत जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित होता है, जैसे क्रोमेटियम और रोडोस्पिरिलम। और फिर रसायन संश्लेषी की यदि बात करें तो इस प्रकार के अंतर्गत जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। फिर होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी को हेटरोट्रॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी, जिसे हम पैरासाइटिक बोलते हैं। इस प्रकार के जीवाणु दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और रोग का कारक बनते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम। फिर होते हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। सिम्बायोटिक में क्या होता है? इस प्रकार के जीवाणु अन्य जीवों के शरीर के साथ रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाते हैं और इसको कहते हैं सिम्बायोटिक। जैसे राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है, जड़ों की गांठों में रहता है। फिर होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलम। तो ये थे जीवाणुओं के बारे में एक सिंपल क्लासिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन कि ये कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।